गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न, यस, पूरा प्रोसेस हमने देखा इनकम टैक्स रिटर्न का। अब इस छोटी सी क्लिप में मैंने आपको ये समझाना चाहा है, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, सपोज कीजिए, और वो हमें कहता है कि सर मेरा TDS बहुत सारे सोर्स से डिडक्ट हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा किस कंपनी ने कितना TDS काटा है, तो इसके लिए दोस्तों हमें एक फॉर्म को चेक करना होता है। उस फॉर्म का नाम होता है 26AS, yes, 26AS हमें इनकम टैक्स पे लॉगिन करके हम निकाल सकते हैं, और भी वेरियस तरीके से हम 26AS किसी भी क्लाइंट का डाउनलोड कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का किस किस एरिया से, किस किस सेक्शन से TDS कटा हुआ है। तो इस मैंने पर्टिकुलर वीडियो में पूरा वीडियो जो इसे बनाया है, किस तरीके से हम 26AS अपने क्लाइंट का देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिफोर फाइलिंग एनी रिटर्न वी मस्ट चेक 26AS ऑफ ऑल आर क्लाइंट्स, और इसे कैसे चेक करना है मैंने इस पूरी वीडियो को पूरा छोटे सेशन में समझाया। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल का डूडल यहां पे खोलेंगे और गूगल के यहां पे सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे ई फाइलिंग, राइट। आप अगर कोशिश स्टेप साथ साथ लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के तो बेटर होगा। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, ई फाइलिंग मैंने यहां पे लिखा, और ई फाइलिंग के बाद आप यहां पे एंटर कर दो। ई फाइलिंग बेसिकली इनकम टैक्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ई फाइलिंग इनकम टैक्स के लिए एक कोड वर्ड हो गया। तो ई फाइलिंग डालने के बाद यहां पे देखो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन होगी, तो होम इनकम टैक्स पे आपको क्लिक कर देना है। होम इनकम टैक्स पे क्लिक करोगे आप तो पूरा इनकम टैक्स का देखिए ये पूरी वेबसाइट आपकी ओपन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्योंकि फॉर्म 26AS चेक करना है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं उस पर्सन का पहले रजिस्ट्रेशन करूँ जिसका मैं 26AS चेक कर रहा हूँ, या फिर अगर उसका ID पासवर्ड मुझे पता है जो कि पता होना चाहिए तो मैं उसका सीधा लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जिस पर्सन का मैं 26AS चेक कर रहा हूँ मेरे पास उसका ID पासवर्ड है, तो मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये कुछ डिटेल आपसे डिपार्टमेंट मांगता है, और वो डिटेल क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है इनकम टैक्स में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले वो पैन नंबर मांगेगा। थोड़ा सा वेबसाइट आज स्लो है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स में यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल मांगी जाएंगी, तो सबसे पहले इसको हम भरते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ID मांगेगा, तो यहाँ पे हम पैन नंबर डालेंगे। मैंने पैन नंबर ऑलरेडी क्लाइंट का लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसका पासवर्ड, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू आप करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का ये पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिस भी क्लाइंट का हमने यहाँ पे डाला है, राइट। ये प्रोसेसिंग के बारे में बताएगा। हमें सीधा क्या करना है, पहले आप ये आइकन्स देखिए, डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथराइज पार्टनर सर्विसेज, AIS, पेंडिंग एक्शन, ग्रीवेंसेज, हेल्प। तो यहाँ पे हमें इस सेशन में हमें ढूंढना है, हमारे को 26AS सर्च करना है। तो ई फाइल में हमें जाना है, प्लीज़ नोट डाउन, ई फाइल में आप जाएंगे और फिर वहाँ पे आप जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न में आप यहाँ पे आएंगे, देखिए 26AS व्यू, 26AS यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि यहाँ से हम आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहे हैं जिसका नाम ट्रेसेस है, तो इसको आप कंफर्म कीजिए, यस मुझे दोबारा वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पे ले जाएंगे, यस। फिर आप यहाँ पे एग्री कीजिए, एग्री के बाद प्रोसीड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ब्लू हेडिंग है जहाँ पे कहता है व्यू टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का मतलब आपका TDS ही होता है, जैसे हम GST में टैक्स क्रेडिट पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछेगा आपको किस असेसमेंट ईयर का सेलेक्ट करना है। याद रखिए जितने असेसमेंट ईयर का डेटा आपके रिकॉर्ड में होगा वो किसी भी ईयर का पास्ट का देख सकते हैं। तो अभी मैं चेक करना चाहता हूँ जो ईयर है हमारा असेसमेंट ईयर 23-24, यानी इसका प्रीवियस ईयर हुआ 22-23। और व्यू करने के लिए हम हमेशा करते हैं HTML, HTML एक फॉर्मेट है जिसमें हम व्यू करते हैं। और उसके बाद अगर आपको व्यू करना है व्यू, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हो। मैं सिर्फ अभी व्यू करना चाहता हूँ। मैंने व्यू पे क्लिक किया, इसने प्रोसेस किया, और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ये पूरी असेसी की डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, जिनका नेम, पैन नंबर, एड्रेस, असेसमेंट ईयर, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इन कंपनियों ने, देखिए 1, 2, 3 इन कंपनियों ने इनका TDS काटा है, इतने अमाउंट पे किया है, इस पे TDS काटा है और ये जमा किया है, इतना TDS काटा है, जमा किया है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक साइन देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस का साइन इसका मतलब होता है ये जो कंपनी का अमाउंट आ रहा है ग्रॉस अमाउंट है, मतलब कंपनी ने इसमें जो
कई सारे अमाउंट डिडक्ट किए हैं, अगर मुझे डिटेल वाइज चेक करना है तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो देखिए पूरा डिटेल आ जाएगा, कंपनी ने किस सेक्शन में काटा है, 194H मैंने क्लास में पढ़ा है कमीशन, ये ट्रांजेक्शन डेट आती है, जो ट्रांजेक्शन डेट है, डेट ऑफ बुकिंग इन्होंने एंट्री कब बुक किया है उसका डेट आता है, और ये ग्रॉस अमाउंट, TDS अमाउंट, और ये है पेमेंट, राइट। तो प्लस से मैंने क्या किया, मैंने उस कंपनी को डिटेल से सर्च किया, राइट। फिर मैं इस पे माइनस पे क्लिक करता हूँ, दूसरी कंपनी पे प्लस करता हूँ, तो देखिए दूसरी कंपनी में और भी ज़्यादा डिटेल है, अगस्त से सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जून, इस तरीके से डिडक्शन हुआ है, राइट। तो इस तरीके से डिडक्शन की पूरी डिटेल हमारे पास आ जाती है, जनवरी, सॉरी दिस इज जनवरी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास पूरा तरीका आ जाता है। अब देखिए 194H भी है और यहाँ पे देखिए 194C भी है, यानी कॉन्ट्रैक्टर में भी इन्होंने इस कंपनी ने TDS काटा है। उस तरीके से तीसरी कंपनी भी है, यहाँ पे प्लस करके देखिए इन्होंने भी 194H में काटा है। बेसिकली ये जो क्लाइंट होंगे ये रियल इस्टेट में काम करते होंगे और रियल इस्टेट कंपनियाँ अपने एजेंट्स को ब्रोकर देती हैं और उनकी ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा इस कंपनी ने कितना TDS काटा है, बाकी आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, इतना ही इनका TDS है। अब जब हम लोग ITR भरते हैं तो हमें 26 ये जरूरी देखना होता है कि हमारे क्लाइंट का या हमारा कितना TDS ऑलरेडी कट गया है, और उनकी जब हम टैक्स कंपटीशन करेंगे तो ये पता चलेगा कि उनका और टैक्स बनता है या उनको हमें रिफंड दिलाना है। इसी तरीके से अगर आपको दूसरे ईयर का चेक करना है तो यहाँ से आप सिंपल असेसमेंट चेंज कर सकते हैं और फिर से सेम प्रोसेस HTML पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा छोटी सी क्लिप में बताया किस तरीके से हम किसी भी क्लाइंट का या अपना 26 ईयर्स, जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि हमारा TDS कहाँ कहाँ किस कंपनी ने कितना डिडक्ट किया है, राइट। तो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, राइट। I hope you like the video. For this, please subscribe the channel and share to all your friends. And please join the course. That course in description box में आपको पूरा course की डिटेल दी हुई है, कितनी duration है, क्या क्या topics मैं पढ़ाता हूँ, आप इसको घर बैठे online या हमारे center से भी course कर सकते हैं। Thank you so much. Keep learning, keep growing.